हैप्पी नवरात्रि और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जितना मेहनत की थी सारी खराब हो गई। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग तो अच्छे ही होंगे, लेकिन मेरी थकान के मारे ना हालत बहुत ख़राब है। आज ब्लॉग भी देखो कितने 8 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, जबकि उठी हूँ सुबह की। ये नहीं कह सकती कि सुबह 5 बजे उठी हूँ। आज उठते उठते बहुत दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है यार। अलार्म बजा, उसे बंद कर दिया, फिर खोला, फिर बजा, फिर बंद हुआ। मैंने पैरों में इतना दर्द, पीठ में इतना दर्द, बाई रोड जाना यार इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। पर क्या करूँ, बेटी को स्कूल भेजना था, फिर उसको जब उठाने चली तो उसकी भी वही हालत, उठ नहीं पा रही थी। पत्नी क्या करूँ, ज़रूरी है तो खैर उठी, फिर तैयार व्यार कर वो तो हो गई, मैं भी हुई, भगवान को कर दिया ऊँचा ऊँचा। साफ़ सफाई नहीं कर पाई भगवान की, क्योंकि अब सोच रही हूँ कल से नवरात्रि है तो कल ही करूँगी अच्छे से सुबह उनकी। तो अभी तो फिलहाल उन्हें नला दला के चाय वाय भगवान को भी भोग लगा दी, सब कुछ कर दिया। मैंने भी अभी जस्ट बैठ के चाय पी अपनी, ख़त्म करी, काम मेरा चल रहा है। मैं अपनी डायरी भी लेके बैठी हूँ और आज निकलूँगी बाहर, थोड़ा सा काम वाम करके आऊँगी और कल की नवरात्रि की तैयारी भी करनी है घर पे भी और बाहर भी। तो चलो करती हूँ। और अभी वो मेड भी नहीं आई है, आएगी उससे घर क्लीन व्लीन करवाऊँगी, कल की सब तैयारी करवाऊँगी और बस यही सब है। जैसे जैसे होता जाएगा मैं बताती हूँ, मिलती हूँ। तो गाइस घर से मैं निकल गई थी, ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि लेट बहुत हो रहा था। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे भाई थोड़ा सा कुछ काम था प्रोजेक्ट के जो मेरे चल रहे हैं, जो जिसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को बहुत पहले। पूरी डिटेल अभी नहीं बता सकती इसलिए बताई नहीं है, लेकिन हाँ आज मेरी उसको लेके मीटिंग थी आज फिर से। तो भाई आज निकली हूँ, देखो कोशिश करूँगी कि स्कूल के टाइमिंग से पहले पहले फ्री हो जाऊँ और मीटिंग भी अच्छी रहे। कल अभी लौट के आई हूँ और आज ये मीटिंग आ गई अचानक से। थकी हुई इतनी ज़्यादा हूँ कि मेरा मन नहीं था, लेकिन और कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि फिर मीटिंग को आगे रीशेड्यूल नहीं कर सकती थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, अंदर ऑफिस में नहीं बनाऊँगी मैं ब्लॉग, आपसे मिलूँगी जब मीटिंग ख़त्म होगी। अगर 12:30 बज गया, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, मीटिंग में हूँ। बेटी की छुट्टी 1:30 बजे होनी है और आज मैं अकेली हूँ, इसलिए इनको बोलूँगी कि ये जाके उसको लेके आएंगे, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा काम अभी भी ख़त्म हो पाएगा। तुम अपना मास्क उतारो पहले, ऐसे भी नहीं तो डॉक्टर लग रही है। हाँ तो बोलो, तो कुछ बोल भी तो दे, गूंगी मऊंगी अमावस्या है का तुम दोनों की? अब बस हसन में हाय, ये मैं हूँ, ये दी मेरी सिस्टर है और यहाँ पे पार्टी हो रही है, नाइट पजामा पार्टी हो रही है। देखो पजामा पार्टी, यहाँ पार्टी हो रही है और ये नेल साफ हो रहे हैं यहाँ पे मेरे। हेलो हेलो, यहाँ पे पार्टी चल रही है। किस चीज की? तफरी चल रही है और कुछ नहीं चल रही, पार्टी वार्टी तो कुछ नहीं चल रही, बकवास चल रही है। काम है यहाँ बैठे तफरी करो, जाओ तुम पढ़ो जाके कर लेंगे। बाय बाय, कब करो आज वरना कल से। तो गाइस सब तो बज गए हैं रात के 8:30 और मेरे को आज इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है। पहले मैं फ़ैन बंद कर दूँ नहीं तो आवाज़ की दिक्कत होती। और अभी भैया भी आए थे, वही जो हम लोगों के संग जाते हैं ट्रिप पे, तो उनको भी चाय पानी वगैरह सब करा दिया है। और
लेट इसलिए हुआ क्योंकि अपने ही काम में और कल के नवरात्रि के टाइम मतलब की तैयारी में इतने ज्यादा हो गए। भगवान को सबको आज ही रात में ठीक ठाक कर दिया है। भगवान का सब सामान नीचे ला के रखा गया, जैसे एक चौकी है धुलवाई रखाई, एक बड़ी चौकी रखी और उनका सारा सामान जैसे यहाँ पे पंडित जी ने जो भी लिस्ट दी थी वो सब यहाँ पे ट्रे में लगा के रेडी कर दिए। एक एक आइटम लिस्ट के अकॉर्डिंगली लगा के रख दिया गया है। मंदिर को भी चकाचक एकदम साफ सुथरा कर दिया गया क्योंकि बहुत सुबह का कल का पंडित जी के आने का टाइम है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मूंगफली भूनना रख दिया है क्योंकि अब मुझे 9 दिन तो यही चाहिए होगी, तो एक बार में मैं अच्छे से मूंगफली को बना के रख लेती हूँ। पंडित जी आते हैं उनको भी चाहिए रहता है, और भी कोई अगर व्रत वाला आ गया तो चाहिए रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी समय, अभी गैस एकदम साफ सुथरी है धुली है तो फलियारी काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कर लेती हूँ मूंगफली, फिर बना लूँगी मखाना भी ला के यहाँ पे रख लिया है, रखा हुआ है मूंगफली मखाना, क्योंकि हाँ सुबह बेटी को भी स्कूल में यही देना है, तो सुबह सुबह उठ के ऐसे भी मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो मैं इसी समय बना बनू के इसको सबको फ्री अपने आप को कर लूँगी। और फ़ोन में फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, अब बात करी है जिसको मतलब जो ठीक कर सकता है उससे बात करी है एप्पल स्टोर में, तो वो कल तो फ्री नहीं है, वो शायद परसों उन्होंने टाइम दिया है, तो परसों जाऊँगी। थैंक गॉड कल थोड़ा रेस्ट, तो खैर नाम ले ही नहीं सकते क्योंकि रेस्ट का नाम मेरे लाइफ में है ही नहीं। तो देखो कब परसों के समय क्या होता फ़ोन को लेके क्या बताते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ एक्शन होगा। आज भी वो प्रॉब्लम कर रहा है, एक ब्लॉग एक वीडियो बनता है छोटा सा, बस उसकी स्पेस फुल हो जा रही है। फिर मैं बेटी का फ़ोन लेके बनाती हूँ, क्या करूँ ऐसे करना ही पड़ेगा अभी तो फिलहाल। ब्लॉग बंद भी नहीं कर सकती ना, तो वही हो जाएगा ना फिर बड़ी मुश्किल से, अब थोड़े चल लेते हैं बंद हो जाएंगे फिर वही एल्गोरिथम ख़राब हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, कभी कुछ कुछ ना कुछ लगे ही रहता है उसके साथ, काम भी गर्मी इतनी बाहर का भी काम, आज मीटिंग में भी बहुत अच्छा कुछ नहीं रहा फिलहाल, ज़्यादा डिटेल उसके बारे में मैं ऐसे भी नहीं बता पाती हूँ आप लोगों को, तो क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ ये भी डिसाइड नहीं कर पाती हूँ, पर आज जो भी था बात अभी ऐसे ही है। तो चलिए मूँगफली भूनती हूँ फिर मखाना भूनूँगी तब मिलूँगी। मतलब गाइस मेरी मूँगफली बस अभी तक भून पाई है, तो टाइम बहुत लेती है सब काम पता है, और अब मैं चढ़ाया है मखाना। इसी बीच में मैं आप लोगों को बताऊँ, पता है अभी जो मैं बार बार बाहर जा रही हूँ ना ट्रिप पे, इस वजह से मेरे प्लान्स, आज मैं सुबह गई फ़ोन नहीं ले रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई, पर मैं अगर कल कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी, बट क्या ही मैं उसमें दिखाऊँगी, बहुत बुरी हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी प्रचंड है। पानी दे के गई थी सब कुछ भर के अच्छे से गई थी, लेकिन कितना ही पानी इवेपोरेट हो गया और सारे पेड़ मेरे जल गए। कल मैं आपको उनकी परिस्थिति दिखाऊंगी, आप लोग देखना, बहुत देख के ख़राब लग रहा है कि जितना मेहनत की थी सारी ख़राब हो गई। अब मैं एक भी प्लांट अब नहीं लगाने वाली, मैं बता दे रही हूँ, तो दिखाऊंगी मैं आपको कल, बट आज तो मैं क्या ही करूँ, मैं बस सिर्फ बता ही सकती हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई, लेट बहुत हो गया, और धूप से हटाने का सोच रही हूँ कि उसको अब हटा दूँ, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा है, उसमें से कुछ भी बचे नहीं हैं, सारे कल मिचवा दूँगी, उनको क्लियर करवा दूँगी, गमले खाली करवा दूँगी और फिर देखती हूँ नया लाऊँगी कि नहीं लाऊँगी। अभी तो मूड इतना ख़राब हो गया है, मेरा मन ख़राब हो गया है पेड़ों को अपने देखे, एक टाइम पर इतने हरियाली, आपको भी ब्लॉग में ध्यान दिया होगा, एकदम गेंदे भी निकले थे, रोज़ भी निकल रहा था, छोटे छोटे येलो वेलो पिंक वाइट सारे कलर्स थे, और ये 2-3 दिन जो बाहर गई हूँ ना उसी में मतलब धूप इतनी तेज, पहले वाले में जब ट्रिप में गई थी तब नहीं हुआ था अयोध्या और बनारस, ये जो अभी वाले में गई ना इसमें ज़्यादा ही शायद गर्मी लग गई, सारे हो गए, बहुत दुख हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि मेरे सारे प्लांट्स ऐसे हो गए। अब ऐसे तो मैं देख नहीं सकती खाली खाली गमले और जल खराब खराब, तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ ला के तो लगाऊंगी, चाहे ग्रीन पत्तियों की ही ला के लगा दूंगी, बट लाऊंगी ज़रूर। तो देखती हूँ कल अब कल तो व्रत है, और व्रत तो अब 9 ही दिन है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 9 दिन का स्टार्ट हो जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पंडित जी की टाइमिंग से अब मेरे को मैच करना पड़ेगा क्योंकि वो कब कब आएंगे, उनका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता, वो जब भी आएंगे तो बता के तो आते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली मेरे को
आना जाना करना पड़ेगा। तो और फर्स्ट डे उनका दो बार हो जाता है, सुबह आएंगे एक बार कलश की स्थापना करने करके थोड़ी देर पूजा वूजा करके चले जाएंगे, फिर उसके बाद शाम को एक बार आएंगे तब वो जो दुर्गा जी का पाठ होता है वो करेंगे। तो उसमें उनको 2 घंटे लगते हैं पूरे, तो शाम के टाइम आएंगे फर्स्ट डे बस, बाकी के दिनों में उनको एक ही बार में हो जाता है, एक बार आएंगे पाठ करेंगे आरती वगैरह करा के फिर चले जाते हैं। लेकिन कली भर का बस है ये 2 टाइम, उसके लिए मुझे तो घर पर कब आते हैं, कल मैं नहीं निकली तो कोई बात नहीं, लोगों को सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो हैप्पी नवरात्रि, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए सबको, और जो व्रत रहते हैं उनको माता रानी शक्ति दे 9 दिन के व्रत की, और आपका दिन मंगलमय हो, आपका वर्ष मंगलमय हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, लाइव अब जाके मेरा ख़त्म हुआ है, देखो मैं जगह से भी नहीं हटी हूँ, और ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलूंगी आपसे कल। आज का ब्लॉग बहुत खास नहीं है, तब भी देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।